हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान होगा। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी सीटों और झारखंड के लिए दूसरे चरण की 38 सीटों पर आज मतदान होगा, जहां 23 नवम्बर को वोटों की गिनती होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर आज राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे झुंझुनू जिले के काजरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का अनावरण करेंगे। बता दें कि रामलला दर्शन मार्ग में अधिग्रहण होने के बाद आंशिक रूप से सुग्रीव किला टूट गया था, जिसका नव निर्माण के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अनावरण किया जाएगा। देश के 5 राज्यों की 14 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। यह चुनाव इसलिए खास है क्योंकि 13 सीटों पर संसद बनने के बाद विधायकों के सीट खाली हुए थे और एक विधायक के निधन से खाली हुआ था। बता दें कि ये राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला ऑनलाइन कोर्ट केरल के कोल्लम में आज से शुरू होने जा रहा है। इस कोर्ट में सेटलमेंट एक्ट के तहत चेक मामलों की भी सुनवाई होगी, जहां अदालत में एक मजिस्ट्रेट और 3 कर्मचारी होंगे। इस कोर्ट में केस कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में जेल में बंद बंदी बलवंत सिंह राजोआना को बड़ी राहत मिली है। जहां राजोआना को हाईकोर्ट से पैरोल मिल गई है, राजोआना आज जेल से बाहर आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जहां मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि किसी अन्य उम्मीदवार पर अभी तक विचार नहीं किया जा रहा है, ना ही शक्तिकांत दास के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए कोई चयन समिति गठित की गई है, इसलिए मौजूदा आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना है। बता दें कि इसको लेकर आज या कल अधिसूचना जारी की जा सकती है। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले 24 नवंबर को संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार और विपक्ष के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि 25 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र 20 दिसंबर तक समाप्त होंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने की प्रयास कर सकती है। वहीं इसी सत्र के दौरान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पेश कर सकती है। आगरा में पंचायत राज सम्मेलन में मंच पर बैठने को लेकर बीजेपी के विधायक चौधरी बाबूलाल और छोटे लाल भड़क गए। जहां विधायक का कहना था कि यह पैसे वालों का सम्मेलन बन गया है और उन्हें बुलाकर उनका अपमान किया गया है। बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। बिहार के नौगछिया में साइबर ठगों ने शेयर बाजार में दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर एक बुजुर्ग से 82,70,000 रुपए ठग लिए। जहां पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10,50,000 रुपए फ्रीज कर दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। यह घटना 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच हुई। दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी स्थित झुग्गियों में सोमवार की रात को अचानक आग लग गई, जहां आग की चपेट में आने से 150 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। वहीं दमकल की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर बामुशक्कत आग पर काबू पाया। ब्रिटिश संसद के इतिहास में पहली बार यूके और यूरोप के पहले पगड़ीधारी सिख सांसद लॉर्ड इंद्रजीत सिंह का चित्र वेस्टमिंस्टर लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विशप कॉरिडोर में स्थापित किया गया है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया, जहां सीएम सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र के वादों को पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए जहां प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बद्रीनाथ धाम को विकसित किया जा रहा है। धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड के विकास और संरक्षण के लिए जल्द लागू होगा भू कानून। झारखंड में वोटिंग से एक दिन पहले कल बीजेपी नेता की टेंशन बढ़ गई है, जहां दुमका विधानसभा प्रभारी की गाड़ी में मंगलवार को मध्य प्रदेश के सीधी में ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना चुरहट थाना के समेरिया चौक अंतर्गत देवनार नाला के पास हुआ, जहाँ सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने सीजीपीएससी 2021 भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोमवानी के साथ बजरंग पवार एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक सरवन कुमार गोयल को अरेस्ट कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद घोटाले की पुष्टि हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के खिलाफ उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार इस मामले की पुरजोर वकालत करेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने 3 नशा तस्करों की लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर ली है। इनमें से 2 सगे भाई हैं, जिन्होंने नशे की तस्करी से 3 दुकानें बनाई थी। वहीं अनंतनाग में ही एक अन्य कुख्यात तस्कर का 80 लाख का मकान भी कुर्क किया गया। कुपवाड़ा में पुलिस ने 7 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी के मकान को भी कुर्क किया। सुल्तानपुर के विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह, सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय और लम्हुआ विधायक सीताराम वर्मा भी रहे मौजूद, जहां जिले के चहुमुखी विकास में सहयोग करने का सीएम योगी ने दिया आश्वासन। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित लाजपत भवन में SOPS द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बैजंत पांड्या, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनूप कुमार, SOPS के चेयरमैन राजकुमार सहित गणमान्य अतिथि शिरकत किए। इस अवसर पर बलवंत राय मेहता स्कूल के बच्चों द्वारा दिल छू लेने वाली देशभक्ति प्रस्तुतियां दी गई। ये तो हम सबको पता है कि स्वाधीनता संग्राम में वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स एंड हुज लेगेसी एक्चुअली लेड टू मेनी अदर टॉल फ्रीडम फाइटर्स इमर्जिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टुडे। जैसे कि कहा गया, उनसे पहले ये मानसिकता था कि हम कुछ मांगे, कुछ सिफारिश करें, लेकिन लाला जी ने इसमें बदलाव लाया और ये मानसिकता में ये बदलाव जो आया कि हम जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, जरूरत पड़े तो उसको लड़के लेंगे। लाला लाजपत राय जी ने जब राजनीति में प्रवेश किया तब उनकी आयु केवल 23 वर्ष की थी। हिसार में वो वकालत का काम कर रहे थे। प्रयागराज में पहला अधिवेशन था कांग्रेस का सन 1888 में, और वो उनके राजनीतिक जीवन का पहला
कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। कम उम्र होने के बावजूद भी जो उन्होंने हिसार में काम किया था उसकी इतनी सुगंध पहुंच चुकी थी कि जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो उनको मदन मोहन मालवीय जी रिसीव करने के लिए पहुंचे। और अयोध्यानाथ जी प्रयागराज के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो उन्होंने उनको रिसीव किया। और जब लाला जी को वहां बोलने का मौका मिला तो उन्होंने जो पहली बात कही उन्होंने ये कही कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ जो अधिवेशन में भाग ले रहे हैं वो सब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता तो हमें ऐसे लोगों के लिए चाहिए जो हिंदी भाषी ज्यादा लोग हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है इन अधिवेशन में कांग्रेस वालों को कि आगे से वो हिंदी में बोले। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुधीर कुमार मिश्रा, शिल्पी बेग बैनर्जी, चंद्रजीत, संतोष भटनागर, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, अयोध्या प्रसाद राठौर, शिवाजी पटेल, एसपी सिंह, गीता अनुरागी, करुणा चक्रवर्ती, कांता प्रसाद, करुणा चक्रवर्ती, वशिष्ठ तिवारी, सुल्तान अंसारी, केशव चंद तिवारी, अशोक परमार, उपेंद्र, राजेंद्र केलवा, बलबंत सिंगल, रक्ष आर्या, गुलाब सिंह, दीनाबंधु कलसाई, केपी सिंह, ईश्वर दिन विश्वकर्मा, राजेश रॉय, सुनील कुमार पाथीपाका, सत्येंद्र शाह, जगजीत सिंह, सुशील पांडे, प्रहलाद पंडित, मेदिलाल मौर्य, अशोक कुमार आर्या, काजल गांगली, रणधीर सिंह, बंटी हजारिका और प्रवीण कलिता। ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।